गलत बात है, अगर वो जाना चाह रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए तो उन्हें रोका ना जाए। देखिए जाने के लिए कोई किसी को रोकता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के प्रदर्शन और जिस प्रकार के आह्वान वो लोग करते हैं वो कहीं भी डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। आखिर पिछली बार हमने देखा है तो जाने के लिए बसें बहुत हैं, जाने के लिए ट्रेन बहुत हैं, जाने के लिए अपने साधन बहुत हैं, लेकिन हम ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे और ट्रैक्टर को भी हम आगे कोई ना कोई उनके साथ हथियार बांध के लेकर के जाएंगे, हमको रोकेगा तो हम रुकेंगे नहीं। लैंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, और इसलिए जैसा हमारा पिछला अनुभव है आपको पता ही है, इस प्रकार का काम किसी प्रकार का प्रदर्शन डेमोक्रेसी में जो तय मानक है उसके हिसाब से करना चाहिए, जो तय मानक नहीं है उसके हिसाब से नहीं करना चाहिए। देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भारत रत्न से सम्मानित किए गए हमारे देश के नेता श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी, वरिष्ठ नेता हमारे, और उन्होंने पूरा जीवन पार्टी को खड़ा करने में, जनसंघ से लेकर के जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ आज हम जिस स्थिति पर खड़े हैं इसमें हमारे उन नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। और ये भी एक विशेष बात है कि इन दो महीनों में ही यानी पांच पांच भारत रत्न देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रपति महोदया ने निर्णय करके जो दिए हैं, मैं उनका आभारी हूँ। चाहे उसमें हमारे कर्पूरी ठाकुर हों, लाल कृष्ण आडवाणी हों, चाहे बाद में नरसिम्हा राव हों, चौधरी चरण सिंह जी हों, स्वामीनाथन हों, तो ऐसे देश की महान विभूतियों को और इस प्रकार से सम्मानित करना एक बहुत बड़ा काम है। बजट सेशन में वो प्रस्ताव लेकर आएंगे, मैंने आह्वान किया था, वो तो बहुत देर कर दी उन्होंने। मैंने तो हर एक सेशन में कहा था 6 महीने बाद लाया करें ताकि हमारी बात को वो सुने, वो सुनते ही नहीं, भाग जाते हैं। इस बार कम से कम सुनने का उनको मौका मिलेगा।